two souls colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect time. तो हेलो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में आप सभी को यहाँ पे बताने वाला हूँ MIUI 14 यानी कि MIUI 13 Android 12 के अपडेट्स Redmi 9 Prime के लिए। तो फिर यहाँ पे इंडोनेशिया रीजन के लिए अपडेट ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका था, ये बात आपको यहाँ पे ज़रूर से पता होगी। तो आज इस वाली वीडियो में मैं आपको उसके ऑफिशियली स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ कि अपडेट का साइज़ कितना है, कौन से मंथ का सिक्योरिटी पैच मिलता है और इसी के साथ उसमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, लेकिन उस वाली वीडियो में तब तक यहाँ पे उसके ऑफिशियली स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल नहीं हुए थे, तो इसलिए उस वाली वीडियो में आपको केवल अबाउट फ़ोन का ही स्क्रीनशॉट देखने के लिए मिला होगा। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको पूरे न्यू स्क्रीनशॉट्स दिखाने वाला हूँ विद अपडेट साइज एंड ऑफिशियली इंफॉर्मेशन कि ये अपडेट ग्लोबल में इंडिया में रेडमी 9 प्राइम के लिए कब तक रिलीज़ किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे रेडमी 9 ग्लोबल रेडमी 9 प्राइम इंडिया के लिए यानी कि इंडोनेशिया रीजन के लिए 13.0.1.0 का एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड इंडोनेशिया स्टेबल अपडेट 2.7 GB के साइज़ में यहाँ पर रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और इसी के साथ इस वाले अपडेट का साइज़ क्या है, आपको इसमें 2.7 GB का साइज़ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके चेंज लॉग में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो इसका ये ऑफिशियली चेंज लॉग भी यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। इसमें हमें स्टेबल MIUI बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 12 सिक्योरिटी पैच 2 अक्टूबर 2022 इंक्रीज्ड सिस्टम सिक्योरिटी, ये सारे चेंजेस हम सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसी के साथ मोर फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स में माइंड मैप, नोट्स एंड एनेंस, एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट फॉर फोन, क्लॉक एंड वेदर। तो आपको ये वाला चेंज लॉग इंडोनेशिया रीजन के लिए रेडमी 9 के लिए फाइनली देखने के लिए मिल चुका है। अब ये सेम अपडेट ग्लोबल 7 में, लेकिन ग्लोबल 7 में MIUI वर्जन यहाँ पे 13.0.2.0 होगा, ना कि 13.0.1.0। और इसी के साथ इंडिया के लिए 13.0.1.0 और यूरोप के लिए भी 13.0.1.0 पर MIUI 13 एंड्रॉयड 12 के स्टेबल अपडेट्स 2.7 GB के साइज़ में यहाँ पे रिलीज़ होने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हम सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको Redmi 9 Prime के MIUI 13 का वेट है या फिर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल के लिए इंडिया के लिए भी अपडेट अब फाइनली रिलीज़ किए जाने वाले हैं। इंडोनेशिया चाइना के लिए रिलीज़ हो चुके हैं, अब बाकी के रीजन्स के लिए भी बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी पूरी आज की डिटेल वीडियो रेडमी 9 प्राइम से रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पर पहले बार तो सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी ज़रूर से यहाँ पे कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर ही देखने के लिए मिलेगी। और ज्वाइन कर लेना मेरे दोनों टेलीग्राम चैनल्स फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन।